28 तारीख को कैराना लोकसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से अपने प्रचार में लगी हैं। चुनाव प्रचार की कड़ी में रालोद सिपरू में चौधरी अजीत सिंह ने 2013 के दंगों में प्रभावित गांव में चुनाव प्रचार किया था, जिसके बाद से बीजेपी बौखला गई है। चौधरी साहब के इस दौरे से बीजेपी को यह डर सता रहा है कि कहीं चौधरी साहब जाटों की सेंधमारी न कर ले। दरअसल आपको बता दें, आने वाली 28 तारीख को शामली के कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी पूरे जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी हैं, जिसको लेकर कल 2013 के दंगों के दौरान प्रभावित हुए गांवों में चुनाव प्रचार किया। चौधरी साहब दंगों के दौरान इस गांव में नहीं आए थे और यहां की जनता से उनका हालचाल नहीं जाना था। अब चुनाव के समय गांव में पहुंचने पर बीजेपी पार्टी बौखला गई है और उनको यह डर सता रहा है कि चौधरी साहब कहीं जाटों में सेंधमारी न कर ले, जिसके चलते संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता कर चौधरी साहब पर पलटवार कर दिया और कहा कि उस दिन जब निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा था, तब आप कहाँ थे, और कहा कि हम दिल्ली के नेता नहीं हैं, हम लोगों के बीच के नेता हैं, हमें यही रहना है। आप लोगों पर से मुकदमे हटवाने की बात कह रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं पता कि जो आगजनी और पुलिस का विरोध करने के लिए जो मुकदमे लोगों पर हुए थे वो सभी वापस हो चुके हैं। इस दौरान गढ़वाल खाप के चौधरी बलजीत सिंह को भी वो अपने साथ लाए थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष से बीजेपी बौखला गई है और अजीत सिंह के गढ़वाल खाप के गांव में दौरा करने से जाटों में सेंधमारी न हो जाए, इस बात का डर बना हुआ है। विपक्ष के कारण पैदा हुई बौखलाहट से पूर्व में मंत्री संजीव बालियान की जुबान फिसल गई और बातों बातों में यह कह डाला कि चौधरी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों के वोट देने से सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, तो इस जनता ने पहले मुनव्वर हसन को भी वोट दी, कादिर राणा को भी वोट दी और जब जब ये लोग ताकतवर बनकर उभरे हैं तब तब सांप्रदायिकता ताकतें बढ़ी हैं। सबका साथ सबका विकास कहने वाली बीजेपी पार्टी के पूर्व मंत्री ने मुसलमानों के प्रति है बात कहकर एक बार फिर अपना सांप्रदायिक चेहरा जनता के सामने उजागर कर दिया है। दंगों के लिए दोषी तो आजम खान थे, सबको पता है, मुझे भी पता है, और हम नेताओं के ऊपर दर्ज मुकदमे की बात नहीं करते। हम एक बात लेकर चले थे कि जो आम लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हैं सरकार द्वारा, उस समय नामजदगी बहुत बड़े स्तर पर हुई, उनको वापस करवाना है। हम सब मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, आश्वासन देने के साथ साथ उन्होंने कार्रवाई भी की थी। मैंने पत्र दिया है सबको, जो मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया कार्यालय द्वारा, कि मुकदमे वापसी के संबंध में आख्या दी जाए। आख्या मुजफ्फर से कुछ मुकदमों की जा चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ समय में जो फर्जी मुकदमे थे ज़्यादातर आगजनी के और तोड़फोड़ के दर्ज थे, वो वापस होंगे। कुछ मुकदमों लोगों ने अपने आप फैसले किए सांप्रदायिक स्वार्थ के नाते, आपस में बैठ के हम सब लोग एक दूसरे के निकट आए हैं, लेकिन कुछ चाहते हैं कि राजनीति के माध्यम से हम निकट आएँ, हम बिना राजनीति के भी निकट आ सकते हैं। मदन साहब जी, अभी कल एक नुक्कड़ सभा की थी चौधरी साहब, उन्होंने मोदी जी को और योगी जी को फसल खाने वाला किसानों का दुश्मन बताया, इसमें क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी तुलना मोदी जी और योगी जी से की जा रही, कहाँ तक राजनीति का हुआ? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चौधरी साहब बड़े नेता हैं, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो मैं इस बारे में ज़्यादा कहूँगा तो वही हो जाएगी कि अपने से बड़ों को कभी ऐसी बात कोई कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी हो, राजनीति में अपनी सीमाएं रखनी चाहिए, एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से हमें गलत नहीं कहना चाहिए, मैं तो इतना ही कहूँगा। जाट संगठन के अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने कहा था कि मोदी जी और जो अमित शाह जी हैं ये धोखेबाज है, क्योंकि जाट आरक्षण को लेकर इन्होंने पहले जब आए थे तो आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे जी, लेकिन जाट आरक्षण नहीं दिया जा रहा, तो उसके बारे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि जाट आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिया था, बिना मांगे जाटों को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, केंद्र सरकार में आरक्षण दिया गया, उसमें कुछ तकनीकी खामियां थी, कानूनी खामियां थी, आपको भी पता है, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण खारिज किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यही था कि कानूनी रूप से किसी भी तरह से जाटों को आरक्षण देना चाहिए, और आज भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको एक संवैधानिक दर्जा देने की पहल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है, मुझे उम्मीद है कि इस पहल के बाद अगला काम जाटों को आरक्षण देने के ऊपर। अच्छा, आप जाट समाज से हो, कितना मानते हैं कि जाट समाज के लोग बीजेपी से ना खुश? देखिए, पहली बात तो ये कि समाज कौन खुश है कौन नहीं, ये एक बहुत बड़ी हर व्यक्ति का इंडिविजुअल है, कोई एक जाति के हिसाब से वोट नहीं जाती, समाज बदल चुका है, युवा वर्ग इन बातों को ज़्यादा नहीं मानता, और अगर आप बात समाज की करेंगे तो सारे विधायक सांसद तो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं साहब, वहाँ तो नवाजी शालम, अमीर आलम, कादिर राणा और वही बने हैं, बाकी तो इस समाज को जो भी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है।